नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज एक नई क्लास में फिर एक बार स्वागत है। आज हम क्लास 11th एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, जिसमें हमारा चैप्टर 2 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आज की क्लास में। तो आज की क्लास में उस चैप्टर का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण, कि इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होते हैं उनका जो द्रव्यमान अनुपात होता है उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया गया है, सूत्र, उस अनुसार हम आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट जानेंगे इससे रिलेटिव, कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये भी हम इसी टॉपिक में जानेंगे। ये एक थ्योरी टाइप टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज, जिसको आप खुद पढ़ना ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बाकी ये थ्योरिकल है, मैं लिखूंगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा इसका, और इसमें आपको क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे। तो मैं यही बात कह रहा हूँ कि हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात का निर्धारण। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे कि क्या हुआ था। जे.जे. थॉमसन जो थे, उन्होंने 1897 में कैथोड नलिका में इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे में लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापा। सबसे पहला एक पॉइंट लिख दीजिए, बेसिक पॉइंट है, जे.जे. थॉमसन, आप सभी को पता है ये कौन थे। तो जे.जे. थॉमसन ने 1897 में कैथोड नलिका के बारे में, आप इलेक्ट्रॉन की खोज में जब ये टॉपिक पढ़ोगे, थ्योरिकल टॉपिक है, तो आप इसमें कैथोड नलिका क्या थी वो आप समझ जाओगे। तो बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 1897 में कैथोड नलिका में इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके विद्युत आवेश में, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको जब आप ये नोट्स लिखो तब आपको लिखने में दिक्कत ना हो, आप आसानी से नोट्स को नोट कर पाए, इसलिए मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं। विद्युत आवेश और द्रव्यमान के बीच
अनुपात को मापा, रेशियो को मापा। क्या हुआ था कि जे जे थॉम्सन ने 1897 की बात है, जब कैथोड नलिका में इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके विद्युत आवेश और द्रव्यमान का जो इनके बीच का जो रेशियो था, अनुपात था, उसको इन्होंने मापा था। जे जे थॉम्सन ने मापा था 1897 में। बात क्लियर है यहाँ तक? अब अगला टॉपिक देखिए, अगला पॉइंट नोट कीजिए। यहाँ पर आपको पूरी थ्योरी दे रखी है और उस थ्योरी में लंबवत या समान रूप से सभी चीज़ें समझा रखी हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि जब केवल विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तब इलेक्ट्रॉन पथ से विचलित होकर, तब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पथ से विचलित होकर विचलित होकर बिंदु ए, यहां पर थ्योरी है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा, बिंदु ए पर टकराते हैं तथा केवल चुंबकीय क्षेत्र लागू कर उन पर इलेक्ट्रॉन बिंदु सी पर टकराते हैं। दोनों क्षेत्र के प्रभाव संतुलन या अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन पुनः अपने पूर्व मार्ग पर दिशा में बिंदु बी पर गमन करता है।
बिंदु बी पर गमन करता है। यहां तक बात क्लियर होगी अपने पूर्व मार्ग पर सही दिशा में आकर बिंदु बी पर गमन करता है। यहां तक ये थ्योरी आप नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है इसका एक पॉइंट और उसके बाद सूत्र लिखना है हमें। एक पॉइंट और लिखिए, इलेक्ट्रॉन के विचलन से इलेक्ट्रॉन के विचलन मात्रा का सही माप इलेक्ट्रॉन के विचलन मात्रा का सही माप सही माप सही माप कर उसके ट्रैक्शन से ई या एम के मान निर्धारित किया। अब यहां पर आता है एक सूत्र जिससे आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। फॉर्मूला ई अपॉन एम 1.7688 20 सिग्मा 10 की पावर 13 सी के जी माइनस 1। सी क्या होता है? कूलम आवेश। सी क्या होता है? कूलम आवेश। ई होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। और एम और स्मॉल ई होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आई होप आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक को आज की क्लास में क्लियर किया है, समझा है हमने। हमने बात की है इलेक्ट्रॉन के आवेश द्रव्यमान अनुपात के बारे में, उसका निर्धारण किस प्रकार से करते हैं। तो उसमें हमने बात की थी जे जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड नलिका में इलेक्ट्रॉन के एक दूसरे के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लागू करके आवेश और द्रव्यमान के बीच अनुपात को मापकर केवल विद्युत क्षेत्र लगाया। ये पॉइंट मैंने नोट करवा दिया आपको। तब इलेक्ट्रॉन पथ से विचलित होकर, मतलब वो अपना मार्ग छोड़ देता है। विचलित का होना अपने मार्ग से हट जाना या मार्ग को छोड़ देना। तो वहां पर क्या होता है कि जब वो मार्ग छोड़ देता है, ए बिंदु पर आकर टकराता है तथा केवल चुंबकीय क्षेत्र लागू करने पर बिंदु सी पर टकराते हैं। यदि हम केवल चुंबकीय क्षेत्र को लागू करेंगे तो वह आकर कहां पर टकराएगा? बिंदु सी पर। और फिर दोनों क्षेत्र के संतुलन या अनुपस्थित में इलेक्ट्रॉन पूर्व अपने मार्ग पर आ जाता है। जो मार्ग होता है वो मार्ग बी पर, बिंदु बी पर आकर गमन करता है। यहां तक बात क्लियर होगी। इलेक्ट्रॉन के विचलन मात्रा का सही माप कर उसके प्रेक्षण से ई या एम
या ई बटा एम के मान का ई बटा एन एम के मान का निर्धारण करते हैं या निर्धारित किया जाता है, जिसमें हम उसका मान जो होता है वो होता है ई बटा एम 1.7618820 सिग्मा 10 की पावर 13 सी के जी, मतलब कूलाम का के जी माइनस 1 होगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी। सी का मतलब होता है कूलाम आवेश, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और एम ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।